नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अंतरा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया ग्रामीण बैंक में जितने भी ग्रामीण बैंक हैं उनके लिए भर्ती निकली आरआरबी की तरफ से। तो आईबीपीएस इस आरआरबी संस्थान में अपनी वेबसाइट पर 6 जून को एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है इन्होंने। आपको बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करना है, पूरी डिटेल जानेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर असिस्टेंट, मल्टीपर्पज क्लर्क, ऑफिसर स्केल सेकेंड और थर्ड आदि पोस्टों के लिए जगह निकाली है। तो सारी डिटेल हम जानेंगे, इसमें कितनी जगह है वो भी पता लगाएंगे, कब से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, क्या योग्यता होगी, क्या एज लिमिट रखी गई है, कितनी इसमें फीस होने वाली है, कब इसके एग्ज़ाम होगी, सारी डिटेल हम जानेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं, इसकी वेबसाइट पर चलते हैं और इसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं। आईबीपीएस की वेबसाइट को ओपन करते हैं। सबसे पहले आईबीपीएस इसको सर्च करोगे तो ये इंडियन बैंकिंग की वेबसाइट आप देख सकते हैं, ऐसा लिंक से होगा ये। इसको ओपन कर लीजिए आप, इसकी वेबसाइट ओपन हो गई। तो आप यहाँ पे देखोगे, इधर ये वेबसाइट ओपन होते हैं यहाँ पे एक पॉपअप चल रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चल रहा है ना, ये वाला। इस पर क्लिक करना आप, इस पर क्लिक करोगे तो एक न्यू विंडो ओपन होगी। इसमें देखना आप, यहाँ ये इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है। तो आप देखते हो सीआरपी आरआरबी सिक्स इसका पोर्ट है। तो आप देख सकते हो इसमें कितनी पोस्ट हैं, ये एक तो ये निकाल रखी है इसमें रिक्वायरमेंट ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज अंडर आरआरबी। 6 जून से इसके नोटिफिकेशन जारी है और फॉर्म भी स्टार्ट हो गए इनके। ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए बताएंगे आपको कहाँ से अप्लाई करना है। तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और बताते हैं आपको, इसकी पूरी डिटेल के बारे में जानते हैं। इसका नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ मैं, ये नोटिफिकेशन है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसका। आप देख सकते हैं मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है ये। तो आप इसमें देख सकते हो ये ऑफिशियल स्कैन सेकंड फर्स्ट और थर्ड, द फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये ए ग्रुप की है, बी ऑफिसर असिस्टेंट में है। तो इनके अंदर ये पोस्ट निकाली गई है। इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं 7 जून से। और इसके पीईटी मतलब पीईटी है ये, प्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है, जो आप फॉर्म भरोगे अगर एलिजिबल होगे तो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं इसमें। तो आप देख सकते हो 18/3/5/6 दिन की ट्रेनिंग मिलती है इसमें, और इसके एग्ज़ाम होने वाले अगस्त 2022 में। इसका रिजल्ट निकाल देंगे सितंबर में, उसके बाद मेन एग्ज़ाम इसके होने वाले सितंबर अक्टूबर में। तो ये इसकी एग्ज़ाम डेट और इसकी फॉर्म डेट है ये। तो इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं, उसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करोगे ये नीचे वाला, क्लिक करते हो व्यू एडवर्टाइजमेंट ऑफ कॉमन रिक्वायरमेंट, इस पर क्लिक करना। तो इस पर क्लिक करोगे आप तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, फुल नोटिफिकेशन है इसका। इस पर क्लिक करना, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन, तो इसकी वेबसाइट से वो नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसको देख सकते हैं, इसमें ये भर्ती निकाली गई है, ए ग्रुप के अंदर है, ऑफिसर फर्स्ट थर्ड और सेकंड, ग्रुप बी में ऑफिसर मल्टीपर्पज के लिए निकाली गई है। तो इसमें देख सकते हैं, नीचे चलते हैं इसको नोटिफिकेशन के बारे में। ये इसके अंदर देख सकते हैं आप कितने बैंकों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। ये टोटल बैंक है, तो ये टोटल बैंक आई थिंक ये पूरे होंगे 43 बैंकों ने पार्टिसिपेट किया है। ये इनके स्टेट है, प्रेजेंट ऑफ हेड ऑफिस स्टेट, और ये लैंग्वेज इनकी यूज करनी है, जो कौन सी रीजनल लैंग्वेज वहाँ की। अगर आप यहाँ से फॉर्म भर रहे हो, जैसे आप तेलंगाना से फॉर्म भरने जा रहे हो, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे हैदराबाद इसका हेड ऑफिस है तेलंगाना में, और ये तेलुगु और उर्दू लैंग्वेज वाले यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, ये ज़रूरी है, इन्होंने मैंसन कर रखा है इस चीज़ को। इसकी वेबसाइट है, तो इसकी सबसे पहले एज लिमिट देख सकते हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पे, एज ऑन 1/6/2022 के हिसाब से इन्होंने माना इसको। तो ऑफिसर स्किल सेकंड मतलब थर्ड सीनियर मैनेजर में 21 साल से लेकर 40 साल तक की फॉर्म भर सकते हैं इसमें फॉर्म। तो ये 3/6/82 से इसकी एज होनी चाहिए, 31/5/2001 के बीच होना चाहिए, मतलब 82 से 2001 के बीच फॉर्म होना चाहिए, उसका जन्म होना चाहिए। और ऑफिसर स्किल सेकंड मैनेजर इसके लिए 21 से लेकर 32 साल माना गया, तो 90 से लेकर 31/5/2001 के बीच जन्म होना चाहिए उसका, इसकी एज लिमिट रखी गई है इन्होंने। उसी प्रकार ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए इन्होंने रखा 3/6/92 से
31 मार्च 2004 के बीच और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज 18 से 28 साल के बीच, 2/6/94 से 1/6/2004 के बीच जन्म होना चाहिए। इसके अलावा फिर इन्होंने लेक्स दिया है, इनमें मतलब एज के अंदर छूट भी दी है इन्होंने, तो आप देख सकते हो कैटेगरी के हिसाब से दे रखी है, वो एज दे रखी है। उसके अलावा एसटी और एससी को 5 साल की छूट दे रखी है, ओबीसी को इनके अंदर दे रखी है 3 साल की छूट, और पर्सनल विथ बैच डिसेबिलिटी इनके लिए दे रखी है 10 साल को, जो पीएच होते हैं उनके लिए, और एक्स सर्विसमैन इनके लिए अलग से दे रखी है, तो आप यहाँ देख सकते हो। और बाकी जो नीचे दे रखी, आप अगर पूरी एक ही चीज़ बताऊंगा तो आपको पता होना चाहिए, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, उसको अच्छी तरह देखना। तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देख सकते हो इसमें एजुकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा है, तो मल्टी पर्पज ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, उसके अंदर आपको लोकल लैंग्वेज जहाँ से फॉर्म भरे हो वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, तीन ही चीज़ें होनी चाहिए मल्टीपर्पज असिस्टेंट के लिए। इसमें एक्सपीरियंस इन्होंने 0 मांगा है, मतलब एक्सपीरियंस के लिए कोई ज़रूरी ही नहीं है। उसी प्रकार ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर, उसके लिए भी डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद प्रिपेयर्स विल बी गिव द कैंडिडेट विद डिग्री इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री एनिमल, मतलब डिग्री के साथ ये डिग्री होनी चाहिए इनके पास, ये देख सकते हो आप, वेटनरी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर लॉ इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंट, इनके अंदर इनको डिग्री होनी चाहिए, और ये लैंग्वेज उनकी लोकल लैंग्वेज जहाँ से फॉर्म भरे वहाँ की होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। इसके अंदर भी एक्सपीरियंस इन्होंने मांग नहीं रखा। और ऑफिसर इसके सेकेंड ये देख सकते हो जनरल बैंक ऑफिसर, तो इसमें डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क के साथ कम से कम। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर डिग्री के अलावा इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, 2 साल का एक्सपीरियंस फाइनेंस इंस्टीट्यूट के अंदर, ऑफिस स्केल सेकंड के अंदर 1 साल के है, और इसके अंदर परसेंटेज भी 50% ये होनी चाहिए। कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके अंदर कोई भी डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीटेक हुई, और इसके अंदर देख सकते हो आप C++ Java VBVC ऑफिस OCPG होना चाहिए। उसी प्रकार स्पेशलिस्ट ऑफिसर इनके लिए 1 ईयर का CA होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए ये दे रखी है, इनमें अलग अलग दे रखी है। स्टेशन मैनेजर ऑफिसर स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर, इसके अंदर ग्रेजुएशन 50% के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनिमल और बैंकिंग डिप्लोमा फाइनेंस मार्केटिंग एग्रीकल्चर इनके अंदर ग्रेजुएट होना चाहिए। अब इसकी फ़ीस के बारे में जान लेते हैं, तो ऑफिसर स्केल सेकंड फर्स्ट और थर्ड इनके लिए 175 था STSC के लिए, और जनरल के लिए इन्होंने 850, मतलब अदर कैटेगरी STSC PWBD कैंडिडेट इनके लिए रखे हैं इन्होंने 175 रुपये। और ये फॉरम 7/6 से लेकर 27/6 तक फॉरम चलने वाले, ये फ़ीस की वैरायटी यही रखी है इन्होंने तो। और ऑफिसर असिस्टेंट इनके लिए भी वही फ़ीस है STSC और PWB और EX सर्विस मैन इनके लिए 175 और 850 अदर के लिए इन्होंने दे रखी है। हाँ, एग्जामिन पर फॉर्म देख सकते हैं इसमें, मतलब प्री एग्ज़ाम कैसे होने वाली है। प्री के अंदर आप देख सकते हैं इसमें ये रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी, इनके अंदर देख 40 क्वेश्चन आने वाले, 40-40 नंबर के अंदर 80 क्वेश्चन 80 नंबर, 45 मिनट का टाइम होगा फ्री में, ये होता है ओनली मल्टी पर्पोज वाले के लिए। स्केल फर्स्ट वाले के लिए रीजनिंग और एप्टीट्यूड वही है 40-40 के, 40-40 नंबर के, वही 45 मिनट का टाइम होने वाला है। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हो मेन एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजनिंग कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस इंग्लिश हिंदी, इनमें से एक सेलेक्ट कर सकते हो आप। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये पूरे टोटल 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 घंटे का पेपर होने वाला है। इस प्रकार ऑफिसर स्केल के लिए इनके लिए भी यही होने वाला है सेम, वही रीजनिंग कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस इंग्लिश हिंदी और कंप्यूटेड, यही पर 2 घंटे का पेपर, 200 नंबर 200 क्वेश्चन। आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हो वहाँ की लैंग्वेज यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन में, मतलब आंध्र प्रदेश बिहार गुजरात हरियाणा ये लैंग्वेज, मतलब जहाँ से फॉर्म भरे हो वहाँ आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए, नेसेसरी है, उन्होंने दे रखी है पहले ही।
आप जहाँ से भी, जैसे राजस्थान से बोल रहे हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश, उड़ीसा से इंग्लिश हिंदी उड़िया, नागालैंड से इंग्लिश हिंदी, ये लैंग्वेज आपको लोकल वहाँ की आनी चाहिए जहाँ से फॉर्म भर रहे हो, और वहीं का फॉर्म भरना जहाँ के आपको लैंग्वेज आती हो, बाद में दिक्कत होगी नहीं। ये मैंने आपको बता दिया कब एग्ज़ाम होने वाली है इसकी, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब एग्ज़ाम है इसका, यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हो। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो आप नीचे जाओगे 26 नंबर पेज पे डिटेल दे रखी। उसके बाद यहाँ पे अपनी वैकेंसी देखने के लिए 27 नंबर पेज पे जाओगे तो आप देख सकते हो ये स्टेट दे रखी है यहाँ पे, स्टेट बैंकिंग, और ये कैटेगरी दे रखी है कौन सी कैटेगरी कितनी वैकेंसी है, ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पोज की है ये। इसी प्रकार नीचे जाओगे आप तो ऑफिसर स्केल फर्स्ट की दे रखी है, वो स्टेट बैंक और ये कैटेगरी। उसी प्रकार नीचे फिर ऑफिसर स्केल सेकंड एग्रीकल्चर ऑफिसर की, उसी प्रकार में मार्केटिंग की। इस प्रकार अपनी वैकेंसी देख सकते हो कहाँ से फॉर्म भरना, कौन सी कैटेगरी से, तो इसमें पूरी वैकेंसी दे रखी है। उसके बाद ही आप फॉर्म भरना पूरी देखने के बाद ही यहाँ से अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना, जैसे स्टेट दे रखी है, प्री एग्जाम की सेंटर दे रखी है, उसके बाद मेन एग्जाम की सेंटर दे रखी है। आप देख सकते हैं आप ये स्टेट है, ये प्री एग्जाम के, जैसे आप आंध्रा से भर रहे होते हैं यहाँ पे सेंटर मिलने वाले हैं, और ये मेन एग्जाम की सेंटर है इसी में। अब लास्ट टाइम बात कर लेते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आपको बाद में यहाँ तक तो आपको बता ही दिया था इस वेबसाइट तक, तो मैं आपको कैसे ओपन करना है आपको नहीं पता, तो मैंने वेबसाइट पे जाना, ऊपर पॉपअप चल रहा है उस पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ से क्लिक करके ऐसी वेबसाइट ओपन होगी। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई करना, आप क्लिक करो, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए भरना था इस पर क्लिक करना, और रिक्वायरमेंट ऑफिसर स्किल फर्स्ट स्टोरेंट के लिए भरना था यहाँ से क्लिक करना, और सेकेंड और थर्ड के लिए भर रखा है तो यहाँ भरना है तो यहाँ से क्लिक करना। जैसे मल्टीपर्पज़ पर क्लिक करके बता देता हूँ आपको, ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा तो यहाँ से अपना आईडी नंबर और पासवर्ड डालना तो लॉगिन हो जाएगा, अगर नहीं कर रखा तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करोगे तो उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा, ऐसा पेज ओपन होगा, इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और ये पूरा अपना नाम यहाँ पे देखना, लास्ट नेम। इस प्रकार पूरा नाम मैच करोगे तो आप अपना पूरा नाम सही होगा, तो यहाँ पर अपना नाम आ जाएगा यहाँ पर पूरा सही, मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद सेव कर देना। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड अपने मोबाइल पर सेव हो जाएगा, मतलब मैसेज में भी आ जाएगा। तो इस प्रकार अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट्स करें, आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।